हेलो फ्रेंड्स, आज का रेसिपी बहुत ही सिंपल है और हर घर में ये रेसिपी बनता है। चलिए इस रेसिपी को देख लेते हैं। हम यहाँ पर पूरा इजी तरीके से दिखाएंगे आपको बनाकर। चलिए चलते हैं, ज़्यादा तामझाम नहीं करेंगे, एकदम इजी तरीके से बनाएंगे। हमने यहाँ पर लिया है 2 मीडियम साइज का प्याज, हमने थोड़ा बड़ा बड़ा पीसेस में काट लिया है, 1 इंच अदरक, 6-7 पीस लहसुन, 2 हरी मिर्च और 2 मीडियम साइज का टमाटर, और इसमें डालेंगे साबुत जीरा 1 चम्मच, 1 चम्मच काली मिर्च। इसका एक हम महीन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, हमने महीन पेस्ट बना लिया है। अब इसे साइड कर देते हैं। हमने यहाँ पर चना को पहले से बॉईल करके रखा है, 4-5 सीटी हमने लगा दिया था और अच्छे से चना बॉईल हो गया है। अब हम चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। हमने यहाँ पर 2 बड़ी चम्मच सरसों का तेल ले लिया है। हम यहाँ पर तेल का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करेंगे और यहाँ पे डालेंगे साबुत जीरा और ज़्यादा नहीं, हल्का सा खड़े मसाले भी डाल दिया हमने, इलायची, लौंग और दालचीनी। इसके बाद डाल देंगे हम जो पीसे थे मसाला, प्याज टमाटर का पेस्ट, वो डाल देते हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, सारे चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आप तीखा जितना पसंद करते हैं उतना डाल सकते हैं। और इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच चना मसाला और इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। ध्यान रखिएगा, हमने चना बॉईल करते समय 1 चम्मच नमक डाला था और स्वाद के अनुसार डाल देंगे। अब 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे, मीडियम रखेंगे फ्लेम को। 5 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। अब इसी तरह हम खुले में मसाला को अच्छी तरह से पका लेंगे और थोड़ा सा चना मसाला का स्वाद और बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप इसको डाल कर देखिएगा। अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और इसी तरह भून लेंगे और थोड़ा सा, ये देखिए मसाला इकट्ठा हो रहा है, यानी कि हम लोग का मसाला अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें डाल देते हैं चना जो पहले से बॉईल करके रखा था हमने। इसी तरह हम 1-2 मिनट भून लेंगे। इसके बाद पानी ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पर 1 गिलास पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। इसके बाद इसको हाई फ्लेम में 5 मिनट फिर से पकाएंगे कवर करके। 5 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। ये देखिए, चना मसाला हम लोग का तैयार हो गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है, यानी कि हम लोग का चना मसाला अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसे थोड़ा सा मैश कर देंगे ताकि इसका ग्रेवी ठीक हो जाए। ये देखिए, चना मसाला बनके तैयार हो गया। अब ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं। इसके बाद इसको सर्व करेंगे। ये देखिए कितना सुंदर बनके तैयार हो गया हम लोग का चना मसाला, कम टाइम में बनके तैयार हो गया। हमने नान के साथ इसको सर्व किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।